आज की इस वीडियो का पर्पज ही यही है कि मैं आपको बताऊं कि अपाची आरटीआर 162 में प्रॉब्लम्स क्या क्या आपको फेस करनी पड़ेगी। अब आपने मूड बना लिया है 2024 में लेने का, डेफिनेटली आप लीजिए, बेहतरीन बाइक है, लेकिन इसकी कुछ कमियां जान लीजिए और अगर आप उसे अवॉइड कर सकते हैं तो फिर ये आपकी बेस्ट चॉइस बन सकती है। मैंने बहुत रिसर्च किया है और बहुत सारे यूजर रिव्यू भी देखे, लोगों से मैंने बात भी करी। इसके बाद मैंने इसमें से 5-6 पॉइंट्स ऐसे कवर किए हैं जो आपको सुनने चाहिए और समझने चाहिए। चलिए शुरुआत करता हूं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जीआरडी और आप देख रहे हैं राइट टू नो। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अब जो सबसे पहली चीज जो मुझे इसमें बुरी लगती है, देखिए ये प्रॉब्लम नहीं है, ये बस डिसएडवांटेज इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि इसकी जो डिजाइन है ना वो मुझे थोड़ा सा अब पुरानी लगती है। पुरानी इन द सेंस कि देखिए BS6 अपडेट के बाद इन्होंने कोई चेंज नहीं किया, चलिए कोई बात नहीं। इसके बाद जब इसको लेकर बहुत सारी प्रतिक्रियाएं उठने लगी, लोग बहुत विरोध करने लगे, इसका सेल डाउन होने लगा कि भैया इसमें तो कोई अपडेट कंपनी कर ही नहीं रही है, तो कंपनी के कान में जो है जब ये बात पहुंची तो उनको समझ में आ गया कि अब अपाची में अपडेट करने चाहिए थी। इन्होंने क्या किया कि जो अपाची 164V है उसी के अपडेट्स उठा के इसमें डाल दी। जैसे आगे जो मेन हेडलाइट है उसे बिना चेंज किए सिर्फ LED कर दिया, जो मेन मीटर कंसोल है उसे जो है अपाची 164V वाला ही मीटर कंसोल उठाकर इसमें चिपका दिया। इन्होंने अलग से कुछ कमाल का काम नहीं किया इसमें, तो पता है इसकी जो डिजाइन है इसको लेकर कोई चेंज नहीं किया गया। अब प्रश्न ये उठता है कि डिजाइन को लेकर ही तो लोग इसको पसंद करते हैं। हाँ बिल्कुल ऑफकोर्स, लेकिन पता है जो और भी बाइक्स हैं उनके डिजाइन में थोड़े थोड़े करके काफी चेंज किए गए हैं, तो ये चीज अपाची 162V में भी होना चाहिए। इसमें भी छोटे छोटे हुए हैं लेकिन ऐसे चेंज होने चाहिए जो इसके डिजाइन में दिखे। ठीक है, आप क्या कहते हैं कमेंट करके बताइएगा। अब मैं बताता हूं इसका दूसरा प्रॉब्लम जो मुझे लगता है। देखिए ये मेरी पर्सनल प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि मेरी हाइट 6 फीट की है और जब मैं इसको जो है चलाता हूं तो इसका जो राइडिंग पोस्चर है वो थोड़ा अग्रेसिव है, हल्का सा मतलब मेरे को झुकना पड़ता है, तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन स्टार्टिंग में मेरे को यूज टू होना पड़ता है। यूज टू इन द सेंस कि जब मैं शिफ्ट करता हूँ, अगर दो बाइकों में जैसे मान लीजिए मैं FZ चला रहा हूँ, यामाहा की FZ चला रहा हूँ, FZ के बाद जब मैं शिफ्ट करता हूँ पल्सर NS160 में, तो मेरे को ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, मतलब हैंडलिंग वगैरह में चाहे कुछ और में, या ये चीज शायद मेरे हाइट की वजह से होती होगी। लेकिन जैसे ही मैं अपाची 162V में शिफ्ट करता हूँ तो मेरे को ऐसा लगता है कि यार ये बहुत ज्यादा जिनकी हाइट है ना उनके लिए उतनी परफेक्ट नहीं है, लेकिन जिनकी हाइट 5.2 से लेकर 5.10 के बीच में है उनके लिए तो बहुत परफेक्ट है, मतलब बहुत परफेक्ट है। ठीक है, मेरे को ऐसा लगता है। तो देखिए ये मेरी पर्सनल प्रॉब्लम जो मेरे को लगी इसमें। अगली चीज मैं बता रहा हूँ वो है वाइब्रेशन। देखिए वाइब्रेशन को लेकर बहुत सारे आपके सवाल आते हैं कि क्या अपाची नया वाला मॉडल जो 2024 में आया क्या इसमें वाइब्रेशन हट गया है? जी नहीं, वाइब्रेशन आपको अभी भी देखने को मिलेगा, लेकिन ऐसा वाइब्रेशन नहीं है जिससे आपको बॉडी पेन हो या फिर कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो। ये स्टार्टिंग RPM पे, मतलब जब आप मान लीजिए कि चलिए 50-60 की स्पीड में हैं उस समय आपको बहुत ज्यादा वाइब्रेशन फील होगा, लेकिन जैसे आप हाई RPM पे जाते हैं 70-80-90 जैसे आप पहुंचते हैं तो फिर वाइब्रेशन एकदम ना के बराबर हो जाता है। आप इस चीज को नोटिस कर लीजिएगा। ठीक है, अगली चीज मैं बताता हूँ वो है इसकी हीटिंग प्रॉब्लम। देखिए हीटिंग प्रॉब्लम ये एक ऐसा इशू आ रहा है कि ज्यादातर लोग शिकायत कर रहे हैं कि इसके इंजन बहुत तेज हीट हो जा रहा है। तो देखिए गाड़ी चलेगी तो इंजन तो हीट होगा, ये तो जाहिर सी बात है, लेकिन कुछ जो हीटिंग प्रॉब्लम्स अलग से नोटिस की जा रही है। जैसे स्टार्टिंग में बताया कि भाई के इंजन में से धुआं निकलने लगा था, तो एक्चुअली वो इंजन से धुआं नहीं निकल रहा था, वो इंजन पे इन्होंने क्या किया था कि ऑयल चेंज करवाया था, तो ऑयल कुछ गिर गया था नीचे इंजन के नीचे, जब इंजन हीट हुआ ना तो वही धुआं बन के जो है निकलने लगा, तो ये डर गए थे कि मतलब यार इंजन से जो है धुआं निकल रहा है, महक आ रही है, तो फिर ये प्रॉब्लम उसमें आई थी। ठीक है, तो देखिए हीटिंग की प्रॉब्लम तो है अपाची 162V में, लेकिन इसका सोल्यूशन ये है कि आप जैसे अपने बॉडी को रेस्ट देते हैं ना थोड़ा थोड़ा, तो आप अपने बाइक को रेस्ट दीजिए, लेकिन इसके बावजूद भी हीट होती है तो आप सर्विस सेंटर पे एक बार कॉन्टेक्ट करिए, इसका सोल्यूशन है। और कई हद तक कई लोगों की ये प्रॉब्लम सॉल्व हुई है, उनकी हीटिंग पहले से कम हो गई है। ठीक है, तो आप इस चीज का ध्यान रखें। अब जो अगली चीज है ना उसे जरा ध्यान से सुनिएगा। मुझे ऐसा लगता है कि देखिए किसी किसी फैमिली में आपने सुना होगा कि अगर दो बच्चे हैं तो कोई बड़े को ज्यादा मानता है, छोटे को कम मानता है, कोई छोटे को ज्यादा मानता है और बड़े को कम मानता है, और उन दो के बीच में अगर तीसरा बीच वाला जो आता है, अक्सर कहा जाता है कि बीच वाले बच्चे पर लोग ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। यहाँ पर अपाची के साथ मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा कि अपाची के ऊपर इन्होंने अपाची 164V रखा है और ये है 2V, ये 2 वॉल्व वाली है और वो 4 वॉल्व वाली है। मुझे ऐसा लगता है कंपनी सबसे पहला अपडेट और सबसे पहला ध्यान 4V पे देती है,
जितने भी नए अपडेट्स उनको करने होते हैं वो 4V में जाकर करती है, इसके बाद उनको 2V पे आना होता है। क्यों भैया, अगर सेलिंग की मैं बात करूं तो यही अपाची आपकी जान है। देखा जाए तो इस अपाची को लोग बहुत तहे दिल से पसंद करते हैं। 4V तो बाद में आई थी, कुछ समय बाद आई, लेकिन 2V तो पहले से ही उपलब्ध थी, लेकिन ये लोग आज भी वही करते हैं। कोई भी नया अपडेट देना होगा तो पहले वो 4V में देते हैं, तब 2V में देते हैं, और 2V में तो देते नहीं है। जब लोग बहुत भड़क जाते हैं तब इनको याद आता है कि अच्छा एक अपाची और है हमारे पास, चलो उसमें अपडेट दे देते हैं, ऐसा कुछ होता है। क्या कहते हैं आप बताइएगा। अगली चीज मैं बताता हूँ वो है इसका प्राइस इशू। देखिए प्राइस इशू मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 2018 में ये प्राइस ऑन रोड 95,000 में मिली थी। ऑन रोड 95,000 रुपए में ये हमारे दोस्त ने इसको खरीदा था, एकदम नई नवेली बाइक, ठीक है। और इसके बाद सोचिए आज 2023 चल रहा है, यानी हम जोड़े 18 से 19, 20, 21, 22, 23, 5 साल में जो प्राइस इंक्रीजमेंट हुआ है वो लगभग 50,000 से 60,000 का हुआ है। इस वक्त ये ऑन रोड पड़ रही है आपको 1,54,000 से लेकर 1,60,000 के बीच में। अगर आप इसका सबसे टॉप मॉडल यानी कि राइडिंग मोड प्लस ब्लूटूथ कनेक्टिविटी वाला लेते हैं तो यार मतलब इन 5 सालों में ना 50,000 से 60,000 की बढ़ोतरी, यानी हर साल 10,000 रुपए कीमत बढ़ाई गई है, 10,000 से 12,000 रुपए। और मुझे ऐसा लगता है कि कंपनी ने सिर्फ ऐसा नहीं है कि इसमें अपडेट दिए हैं इसलिए इसकी कीमत इतनी ज्यादा बढ़ाई है। देखिए अपडेट के नाम पर इन्होंने दूसरी ही बाइकों की चीजें उठा के इसमें डाली हैं, इन्होंने कुछ अलग से नई चीज चिपका कर नहीं दी कि देखो भैया ये एकदम नया आ गया इसमें, ऐसा नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है ना कि जो इसकी प्राइस है ना वो लगभग 5 या 6 हजार भी अगर कम होती ना अपनी कीमत से जो इस समय चल रही है तो बड़ी परफेक्ट होती है, मुझे ऐसा लगता है। लोग इसको लेने के बजाय यूनिकॉर्न 160 प्रेफर कर रहे हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि अपाची लेने से अच्छा यूनिकॉर्न ले लो क्योंकि वो इससे सस्ती पड़ रही है और लगभग उनको लग रहा है कि वही डेली कम्यूट के लिए वो ज्यादा परफेक्ट है। तो आप क्या कहते हैं प्राइस में, वाकई में इसकी प्राइस थोड़ी कम होनी चाहिए कि नहीं, बताइएगा कॉमेंट करके। मैं मिलूंगा अगली वीडियो में, और अपना ख्याल जरूर रखिएगा, कोई भी डाउट हो पूछिएगा, और जिस बाइक से आप कंपैरिजन चाहते हैं इस बाइक का वो आप कमेंट करिएगा। जय हिंद।